हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर में चुनावी प्रचार के दौरान रंगस बुलडूहक, नौंगी भूमपल में नुक्कड़ सभाओं के दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रचार किया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बन गई है और कांग्रेस दिनों दिन सिमटती जा रही है। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर में चुनावी प्रचार के दौरान रंगस बलडूक, नोंगी भूमपल में नुक्कड़ सभाओं के दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रचार किया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बन गई है और कांग्रेस दिनों दिन सिमटती जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी समय में सबसे बड़ा दल था, लेकिन आज 44 सीटें जीतने वाली सीमांत पार्टी बन गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी ने ठीक कहा है कि वोट कटवा पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार भी अपने पतन की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय दल था, देश का सबसे बड़ा दल था वो कांग्रेस, जो कभी पूर्ण बहुमत से जीती थी, आज केवल मात्र 44 सीटों की पार्टी लोकसभा में रह गई। और अब तो हालत ये हो गई कि सीमांत पार्टी बनकर रह गई, सीमांत दल बन के रह गया, जो जीतने की आस पहले ही छोड़ चुका है। और प्रियंका गांधी ने ठीक कहा कि वो वोट कटवा पार्टी बन के रह गई। ये देश का दुर्भाग्य भी है और कांग्रेस के पतन की एक निशानी भी है कि किस तरह से गांधी परिवार खुद कांग्रेस को खत्म करने पर तुला है, वोट कटवा पार्टी बनने तक सीमित रह गई। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नकली शेर कहे जाने पर बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन क्या है। उन्होंने कहा कि 19 मई को चुनावों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और प्रदेश के चारों सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर सीट इस बार चौका लगाएगी। मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता तय करती कौन क्या है, और जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई नहीं होता। 19 मई को चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा ने पिछली बार भी चारों सीटें जीती थी, चारों जीतेंगी हिमाचल की, और हमीरपुर इस बार चौका लगाएगा। मैंने पिछले एक वर्ष में किया है, समाज के हर वर्ग के लिए उत्थान के लिए काम किया, और यहाँ तक कि हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से जयराम जी मिले हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उनके कार्यकाल के कारण भाजपा को वोट बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां और उनका नेतृत्व, जिसके कारण दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अजहर मसूद को घोषित किया गया तो मोदी जी के कारण भारत का लोहा दुनिया भर में माना गया। कांग्रेस तो कुछ नहीं कर पाई थी।